दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बुकलेस ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के करीबी दोस्त रशिया के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट के बारे में। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। रूस या रूसी देश पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। 1,71,25,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस का क्षेत्र पश्चिम में बाल्टिक सागर से पूर्व में प्रशांत महासागर से लेकर काला सागर और दक्षिण में काकेशस तक फैला हुआ है। देश के 85 संघी विषयों में रहने वाले 146.7 मिलियन निवासियों के साथ रूस यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दुनिया में 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। रूस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर मॉस्को है। यह बात तो शायद सभी को पता होगी कि रशिया यानी कि रूस पूरे विश्व में क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह हमारे भारत से भी 5 गुना अधिक बड़ा है। आज रशिया इतना पावरफुल देश बन चुका है कि अमेरिका जैसे देश भी उसके मामले में दखल करने की हिम्मत तक नहीं रखते। भारत का क्षेत्रफल के मामले में रशिया से 5 गुना कम है, फिर भी इसके बावजूद भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, वहीं रशिया की पॉपुलेशन 14,58,72,256 ही है। रूस के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके एक भाग में तो शाम होती है तो वहीं दूसरे भाग में दिन। रूस की एक पहचान यहाँ पड़ने वाली ठंड और दूसरी यहाँ की खूबसूरत लड़कियां हैं। आप यह जानकर आश्चर्य होंगे कि इसी के चलते यहाँ दुनिया भर से लड़के दुल्हन की तलाश में भी पहुंचते हैं। रशिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इसे अच्छी बात कह सकते हैं कि रूस एक नारी प्रधान देश है। यहाँ पुरुषों की तुलना में 9 मिलियन से भी अधिक महिलाएं हैं। अमेरिका ने रूस से अलास्का पर्वत खरीदा। यह बात सन 1867 की है और अमेरिका ने अलास्का पर्वत के एवज में सिर्फ 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रूस को दिए थे। रूस में यह बात बच्चों को बताना अवैध है कि समलैंगिक लोग भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है, और इस बात पे तो आई हेट रशिया रे। रशिया में फूल देना शुभ संकेत नहीं है। जहां पूरी दुनिया में फूल देना शुभ माना जाता है, वहीं रूस में पुरुषों का महिलाओं को फूल देना शुभ नहीं माना जाता। मेट्रो यहाँ की लाइफलाइन है। भारत में तो मेट्रो का आगमन बहुत बाद में हुआ, लेकिन रूस का मेट्रो सिस्टम अपने तरह का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पर 90 सेकंड में एक ट्रेन गुजर जाती है। रूस में लोमड़ियां भी घरों में रहती हैं। अब ये बात डराने वाली है मगर सच है। साल 1959 से रूस में वैज्ञानिक लोमड़ियां पालते हैं। अगर आप इस देश में एक मैली या फिर बहुत ही टूटी फूटी कार लेके चलाओगे तो यहाँ कानूनी अपराध होगा, इसकी आपको सजा भी हो सकती है। रशिया में 600 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। अगर रशिया में मौजूद स्टेट लाइब्रेरी अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। पूरी दुनिया में रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिनकी सीमा 14 देशों से जुड़ी है, जिनमें नॉर्वे, चाइना, फिनलैंड, एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और उत्तर कोरिया का समावेश होता है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन के मामले में भी रशिया का ही नंबर आता है। रूस में कुल 9 टाइम जोन है। एक रूसी किसान महिला 59 बच्चों को जन्म देने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम रखती है। महिला ने 16 जोड़े
जुड़वा 7 जोड़े ट्रिपलेट्स और 4 जोड़े क्वाडर प्लेट्स दिए। उनमें से अधिकांश शेषावस्था से जीवित नहीं रहे। रूस की राजधानी मॉस्को में अमीर लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर अमीरियत यही सब कुछ सिखाती है तो ऐसी अमीरी का क्या काम। रूस में हर साल लगभग 5 लाख लोग शराब की खपत से मर जाते हैं। होने को तो यह कड़वा सच है, मगर यह सच है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस का क्षेत्रफल प्लूटो से भी बड़ा है। रूस जनसंख्या के मामले में तो आगे है ही, इसके अलावा यह क्षेत्रफल के मामले में भी अव्वल नंबर पर आता है। दुनिया में मौजूद कुल सोने का लगभग 40% सोने का स्रोत रशिया के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा बम TSAR बम रशिया के ही पास है। यह बम इतना शक्तिशाली है कि यह अकेला ही बम दूसरे विश्व युद्ध में उपयोग किए गए सभी बम की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद कुल मीठे पानी के स्रोत का 20% हिस्सा रशिया के सिर्फ एक झील में मौजूद है। इस झील का नाम है लेक बेकाल। यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रूस के ही पास है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। एक समय रूस के पास करीबन 8,400 परमाणु हथियार थे, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच हुए परमाणु संधि करार के कारण दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियार कम कर दिए। फिलहाल रूस के पास 6,500 और अमेरिका के पास 6,185 परमाणु हथियार मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।